कल मैं एक युवा कवि का इंटरव्यू कर रहा था, कुमार विश्वास का, और उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है, ये गुरुजी से कहिएगा। वो एक कार्यक्रम कर रहे हैं तर्पण, तर्पण में जितने बड़े साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं का वो पाठ करते हैं। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की भी कुछ कविताओं का पाठ किया, बहुत अच्छा, और उस पर अमिताभ बच्चन ने ऑब्जेक्शन किया कि आप नहीं कर सकते हैं बिना मेरी अनुमति के। इन्होंने क्षमा मांगा, वो आपकी रचनाओं और कविताओं का भी पाठ करना चाहते हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं इस कार्यक्रम पर जो कुमार विश्वास कर रहे हैं तर्पण, उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे खुशी होगी, कुमार विश्वास अगर ऐसा करते हो तो वो नेक और समझदार आदमी है कुमार विश्वास, वो जो करेंगे मैं समझता हूँ वो समझदारी का काम होगा। वो आपकी रचनाओं का भी पाठ करना चाहते हैं? वो जो रुचि करें, मुझे विश्वास है उन पर, यानी विश्वास पर विश्वास है। चलिए नामवर जी, आपने मैं पांच चाय भी नहीं पिला, आपने इतनी लंबी बातचीत की इतना स्वस्थ होने के बावजूद, और शायद ये वीडियो नहीं हो और आने वाले समय में कहे कि हम नामवर जी के पास बैठे थे, उनसे बात किए, उनको छुए, उनका आशीर्वाद लिए, तो भी दुनिया को एक आश्चर्य, जैसे हम कहे कि प्रेमचंद को के पास हम बैठे थे, मुंशी प्रेमचंद के घर गए थे, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। वैसे आपका नाम लूं, लेकिन ये वीडियो है, हम चाहते थे कि आपकी जर्नी, आपकी यात्रा को हम अपने कैमरे में कैद करिए और युगो युगो तक इस यात्रा से, इस जर्नी से, इस बातचीत से लोगों को लाभ मिले। आपने बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभार मानता हूँ, कृतज्ञ हूँ। नाम और नाम ही अपने आप में काफी है, और जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि आने वाला युग जो साहित्य का होगा वो नामवर युग के नाम से जाना जाएगा।